गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल ठीक हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है क्योंकि आज सुबह के 8 बज गए हैं। मैं जल्दी उठ गई हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। और वैसे भी कल से नवरात्रे शुरू है, मंदिर की साफ सफाई करने में सब। ये थोड़ा सा एक दिन पहले, जो नवरात्रे से एक दिन पहले का दिन होता है, बहुत हैट्रिक होता है क्योंकि सफाई मंदिर की सभी लोगों को होता है कि माता रानी के नवरात्रे हैं और सफाई कर लो। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बाकी चाय बनाने के बाद मिलते हैं। मैंने दोपहर के लिए मूंगी मसरा की दाल बनाई है, वो इसलिए अब बना दिया कि लास्ट नवरात्रे में हमारे में ये पीली वाली दाल जो मलका की होती है, ये वाली नहीं बनाते। मेरी मदर इन लॉ मना करती है मुझे कि नवरात्रे में ये दाल नहीं बनानी चाहिए। मेरी मदर इन लॉ मंगलवार को ही मना करती है कि लाल वाली दाल नहीं बनाते, ये माता की दाल होती है, माता के नवरात्रे हैं, इसलिए ये वाली दाल हमारे घर नहीं बनेगी। आज हमने दोपहर को बनाई है, रात तक खा के इसको हम खत्म कर देंगे। तो साईं बाबा जी को मैं भोग लगा रही हूँ। दाल है, दाल में सिर्फ टमाटर का तड़का है, तो इसलिए साई बाबा जी को दाल का भोग मैं इनको ये लगा रही हूँ। मैं मम्मी जी को रोटी देने के लिए आ गई हूँ। हेलो मम्मी जी, रोटी ले आ। बेटा, दोपहर की रोटी वगैरह हमने खा ली है, अब ये बैठे हुए थे फ्री। और मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं कहा आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में किसको फूल बनाया जाए, किसको पागल बनाया जाए, 1 अप्रैल कैसे करें। तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि चीना को आज हम अप्रैल फूल बनाते हैं, क्योंकि चीना ने क्या किया है, चीना आते ही ऑफिस से आती है, आके नाश्ता वगैरह जो भी करती है वो सो जाती है और वो एडिटिंग भी कर देती है। वो मेरी जो आज जो शाम को 5 बजे ब्लॉग आना है उसकी एडिटिंग करके वो सो गई है, तो वो सो रखी है। तो अब मैं इनके साथ प्लान करती हूँ कि हम चीना को कैसे पागल बनाएं और कैसे उसका अप्रैल फूल करें। ये आराम से अपने बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज अप्रैल फूल है। अच्छा, 1 तारीख है। मैं क्या चीना ऑफिस से आके सारा काम वाम करके एडिटिंग सो गई है, ठीक है। मैं क्या इसका अप्रैल फूल बनाए? हाँ बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं बनाए सही, क्या बनाए कुछ बताओ, कैसे करें कि जिससे मतलब कि उसका मतलब वो लगे कि वो बेवकूफ बन गई है। एक तो इसको अपनी एप्पल की वॉच से बड़ा प्यार है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा इससे वो प्यार है उसे कोको से। हाँ, हम कहते हैं कि कोको ना गुम गई, कोको मिल नहीं रही। तो यहाँ तो एक काम करते, कोको को ना ऊपर छोड़ा सोनिया पास, कोको के पास ऊपर सोनिया के पास छोड़ दिया। तो जैसे ही चीना उठेगी, चीना ने शोर कोको 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 कहाँ है मेरी, कोको कहाँ है, चीना ने तो पूछी, कोको तो ऊपर से आके चीना के पास खड़ी हो जाएगी। अब वो जानवर है, उसको तो नहीं समझा सकती ना, तू छुप जा, तो फिर वो तो भौंकेगी। नहीं नहीं, फिर ये काम कर, सामने है ना आंटी, हाँ लंबा हो रही, उनके घर छोड़ा तो उधर भी नहीं रुकेगी। नहीं नहीं, उनके घर तो रुक जाती है, उनसे प्यार करती है, उनकी छोटी पोती है ना, उसे खेलती रहती है, वो उसे प्यार करती है, वो उनको खेलती है उनके साथ, वो बच्चों के साथ खेल के जा मस्त है, वो छोटी है, वो हर किसी मिक्स हो जाती है, तो उनसे प्यार करती है, आधा घंटा उनके पास खेलेगी तो उसको वापसी ले आएंगे। चलो अभी चीना सो रही है, अभी पहले मैं चीना को उठा के बोलती हूं। चीना को उठा के बोल पहले। अब हम जा रहे हैं चीना को बेवकूफ बनाने के लिए, देखते हैं कि चीना का रिएक्शन क्या होता है। आपको लग रहा है कि चीना इतनी समझदार है, हमको पागल बना दे, वो पागल बनेगी? अरे पागल कोको के लिए वो पागल बन जाएगी, तू देखियो अभी क्या होता है। अच्छा, कई बार पूछी भी तो खो चुकी है ना? हाँ पूछी खो चुकी है, इसलिए मगर कोको तो कभी नहीं खोई। कोको तो बाहर जाती नहीं ना, पूछी बाहर भागती है, कोको तो घर में जाती है, इसलिए तो हैरान हो जाएगी कि वो कैसे नहीं घूम चलेगी, वो तो कोई जाती नहीं है। मैं कहा हम पागल तो उसे बनाने जा रहे हैं, मगर एक बात है, जब उसको पता चला कि वो पागल बन गई है तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। आपको पता है वो पीछा नहीं छोड़ती, मेरा नाम मत लेना, तू भी मेरा नाम मत लियो, मेरे पीछे पड़ जाएगी, पागल है वो। नहीं हाँ। वो आपका नाम ना लूं, मैं अपना नाम ना लूं, आपका ना लूं, तो किसका लूं फिर? मैं बताओ किसका लूं, पूछी का ले लूं? पूछी तो डॉग है, पूछी का नाम लेगी वो। हाँ, फिर मेरा नाम मत लेना, सीधी बात है, और तू भी मेरा नाम मत लियो। अजीब बात है, फिर किस बात का पागल बनना है, फिर हम एक दूसरे को पागल बनाते हैं? तो एक आपका रोनन का नाम ले लेते हैं। इतना ही डर है आपको चीना का, तो पागल क्यों बना रहे हो? चलो कुछ हम करते हैं, देखते हैं। चलो अब इसके कमरे में चलते हैं, अभी चलते हैं, फिर देखेंगे बाद में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पूछी इधर, पूछी इधर आ जा, अरे पापा बुला रहे हैं, इधर आ, इधर आ, पूछी इधर आ जा, ये सारा गेम ये खराब, पूछी छोड़। ये देखो चीना सो रही है, चीना, ओ चीना, चीना, चीना बोलो, एक मेरी बात सुन, मेरी बड़ी देर से कोको नजर नहीं आ रही, तेरे को पता है कोको कहाँ है? छत पे होगी। छत पे नहीं है ना, मैं छत पे देखा ही हूँ। छत पे नहीं है, छत पे नहीं है, तेरे को पता है कोको कहाँ है? हैं? दो मिनट खड़े हो, देख तो सही चीना।
अरे कोको नजर नहीं आ रही, मैं सारा देख चुकी हूँ। तू उसको बता क्या बात है, तेरी आवाज से कोको आ जाती है, तेरी आवाज से कोको आ जाती है, देख जरा। छत पे नहीं है ना तू? अरे छत पे नहीं है ना, तभी तो कह रही हूँ। घंटी बजा दो, आ जाएगी। कौन सी घंटी बजाऊ? अरे खड़ी हो, दो मिनट नहीं मिल रही मुझे, मैं बड़ी देर की परेशान हूँ। वो कभी बाहर नहीं जाती हो, पूछी जाती है हमेशा। जल्दी खड़ी हो, खड़ी हो के देख कोको को। पूछी तो है, बाथरूम में। हाँ बाथरूम में, नहीं बाथरूम में कहाँ जाएगी वो? मम्मी जी बड़ी दुखी होकर उठाया, मैंने कहा कि मैं तुमको उठाना नहीं चाहती थी। हाँ रसोई में देख, रोना यही कही होगी, रोना कोको गेट खोला था कि किसी ने? पता ही नहीं मुझे ना, घंटा हो गया है, मेरे को तो पता ही नहीं है। अरे ये पूछी ना भाग जाए छी ना, रुको पहले घर में देख, पूछी घर में बेटा, रुक जाओ। रौनक से पूछ, रौनक से, रौनक के कमरे में तो नहीं है कहीं चेरी? हां वो तो नहीं है कोको? नहीं कोको को तो नहीं देख रही। अरे तो उसको ढूंढवा दे जरा कोको को, मैं बड़ा लेट आया यहां से। तू 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 क्या कर रहा था? मैं तो तेरे कमरे में तो बैठी रहती है वो। कमरे में थी नहीं वो, तो ये बेचारा अंदर बैठा रहता है ना, इसकी मम्मी ऑफिस चली जाती है, बेचारा अंदर ही रहता है। क्या कर रहा, गेम खेल रहा था? हाँ गेम खेल रहा था, पता नहीं दो तीन घंटे से नहीं। क्या वो कहती ना, वो जो कह रहा दो दो तीन घंटे जिंदगी, रोना क्या रहा है यार, तुम्हें पता नहीं चलता है क्या, तू सो रहे हो क्या? अब तू ऊपर जा रही है, देख तुम्हें पता नहीं चलता। उसको ढूंढवा दो, छत पे देखा प्लीज, छुप गई थी ना एक बार, टेबल के नीचे छुप गई थी। तुम कोको कोको को ढूंढने आए थे, कब कपड़े ठीक करने लग गए हो? अरे पापा एक मिनट, कपड़े गिर गए ना, रस्सी टूट गई ना, कोई बात नहीं। चाचा आपने कोको को देखा वैसे? नहीं है, आई थी छत पे, आई थी थोड़ी देर पहले, देखा था भागती भी नहीं है उसको, बोले पट्टा पुट्टा भी मार ले तब भी समझ नहीं आ रहा, गई आप आई यार, आपको दिखते नहीं है मम्मी। चीना क्या हो गया बेटा, क्यों रोई जा रही है? आप ढूंढ के लाओ ना। तो उसमें रोने क्यों, क्या क्या मतलब है? ढूंढ तो रहे हैं बेटा उसको, मैंने बोला भी है, सार्थक गया हुआ है। मैंने देखा है बाहर, छत पे भी देखा है, हर जगह देख लिया, कोको है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। काका को तू देखा ना, काकू तूने बेटे? मैंने हर जगह देखा है, अभी घर में जाके काका को ढूंढा है बेटे, नहीं मिल रही वो। देखो ना आप ढूंढ रहे हैं कितनी, एक डेढ़ घंटा हो गया पापा, छह पांच बजने को आ गए बेटे, हम नहीं मिल रही, बता अब हम क्या क्या करें बता। मम्मी ने भी सारा देखा है, सार्थक भी गया हुआ है, नोनी भी गया हुआ है, बार इशू को बोला मैंने, गए हुए बच्चे देखने के गए हुए, नहीं मिल रही तो इसमें क्या करें बताओ। यार क्या करे यार, इसको पूछ लो, क्या इसको बेजुबान जानवर बता सकता है? चीना कोई बात नहीं, आ जाएगी कोको, अभी ढूंढते हैं काकू, प्लीज ढूंढा जाके बाहर के गली में, देखा गली में देख कर आता मैं। एक बात कहूं? हाँ। अब मजाक बंद करो, बस बस क्यों, जब आपको पता नहीं है कि कोको नहीं घूमी, आपने साथ वाली आंटी के घर छोड़ा है उसको,
चीना चीना साथ वाली आंटी के घर है। चीना चीना सुन 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 राजू में तो चीना चीना नहीं इधर 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 राज मत हो जरा आ जरा चीना उठ जा बेटा। ओ चीना मैं बता रही हूँ फोन तोड़ दूंगी मम्मी। अरे अरे ये दिया मैं अंदर क्या दे रहे हैं देख ये गिफ्ट गिफ्ट ले ले गिफ्ट ये ले गिफ्ट ले ले अपने फोन का गिफ्ट। अरे गिफ्ट ले ले अपना अरे हटाओ इधर आ ये ले गिफ्ट ले ये ले ये ले कोको ये ले 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 खुश हो भाई खुश हो भाई खुश हो भाई चीना खुश हो भाई बस तेरा गिफ्ट मिल गया तेरे को। रोती है पागल है अब क्यों रो रही है मुझसे बात होती है यार नहीं छोड़ जा सकते कभी ये कहीं ये कहाँ छोड़ के जाएगी ये तो कभी घर से निकलती नहीं है। वैसे बता नहीं कोको की तबीयत ठीक ही नहीं रहती कोई बात नहीं मजाक की हमने तो क्या हो गया 10 मिनट का मजाक है चल चुप हो जा कोई बात नहीं चुप कर जा चल रोटी खा रोटी खा ले पनीर खानी यार जाओ। अरे पनीर पड़ी रोटी करी मटर मटर की सब्जी रोटी खा ले चल आ जा आ जा आ जा आ जा रोटी खा ले चल। रात के 10 बज गए हैं मैंने ये सारा मंदिर पूरा का पूरा साफ कर दिया है सब ये जो मूर्तियां छोटी छोटी हैं सारी की सारी साफ करके ऐसे रख दी हैं सुबह अपना सारी बिल्कुल जैसे मैं लगाती हूँ वैसे लगाऊंगी। रात को मैंने सारा मंदिर धो दिया है क्योंकि ज्योत वगैरह जलाओ तो थोड़ी थोड़ी कालक मूर्ति पे लग जाती है तो सारी साफ कर दी है। नवरात्रे हैं नवरात्रे में मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी नवरात्रि भगवान माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।